जाम बड़ी सीवरेज लाइनों को साफ करेगी जेटिंग मशीनें, कहा मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने। शहर को सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए निगम ने खरीदी जेटिंग मशीनें। शहर की सीवर लाइनों के जाम से ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम में मेयर करमजीत सिंह रिंटू द्वारा आज नई जेटिंग मशीनों का उद्घाटन किया गया। जल्दी इन मशीनों से सीवर की सफाई का काम किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि नगर निगम में पहली बड़ी मशीनें बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, जो कि अच्छी तरह सफाई का काम नहीं करती थी, इसलिए आज यहाँ कुछ नई मशीनों को शामिल किया गया है। ये मशीनें जाम पड़ी सीवर लाइनों के अंदर से गंदगी को निकालने में लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि शहर में अक्सर सीवर की लाइनें ओवरफ्लो होती रहती है, इनमें कचरा भर जाने से पानी सड़क से लेकर लोगों के घरों तक भर जाता है। इससे लोगों को परेशानी तो होती ही है, बल्कि महामारी फैलने का भय बना रहता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों द्वारा की गई सीवरेज की शिकायतों का जल्दी निवारण कर स्वच्छ शहर बनाने में पूरा सहयोग किया जाए। आज प्रोग्राम लिखा गया कि बहुत सारिया जड़ी जदों भी देखो एक मैनुअल स्क्रैंजिंग बंद हुई है, पहला साढ़े सीवर मैन जोड़े से सीवर के वटते बहुत सारे हादसे होंगे सके, और जिथे एक मनुखी जान खतरे पाया जाता सौथे एक अखलाकी तौर पर भी बहुत व्डा सी रिस्क लेंगे सके। सुप्रीम कोर्ट दाई कोर्ट दंस्ट्रक्शन तो बाद कोई भी बंदा सीवरेज के मैनुअली वट के सफाई नहीं करेगा। उस तो बाद शहर के बहुत सारी सानू प्रॉब्लम आ रही थी, सीवरेज ब्लॉकेज दियाँ सानू काफ़ी कंप्लेंट्स बढ़ रही थी। इस तो पहला असी जिहड़ियां ग्रैब बकट मशीन वह भी उदों उद्घाटन किया, पिछले साल तुसा वेख्या कि जिहड़ा सीवरेज दियाँ हौदियां नू साफ कर दियां ने, पर उस दे नाल नाल हुण वेखो साढ़े को लगभग 2000 किलोमीटर सीवरेज की लाइन इस शहर के है, और उसनों साफ करन दे लई पुरानी मशीनरी जिहड़ी अज तो कोई 40 साल पहले नहीं चल सकती, अज असी अपने फ्लीट के नवियां जिहड़ियां 7 ते जिहड़ियां जेटिंग मशीन और एक सुपर सकर एक वो दे नाल टैंकर वो असी अज इत्थे उन्हों फ्लैग ऑफ किया, और ये शहर वासियां दी सेवा दे विच है। इस तो पहला भी साढ़े को चल रही असी हर जोन दे विच साढ़े शहर दियां 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 जोन ने, असी दो गड्डियां हर जोन दे विच जिहड़ियां जेटिंग मशीनस ने उन्हां नूं असी डेडिकेटडली देवांगे कि किसी भी बंदे नूं, क्योंकि सीवरेज की तो जिहड़ी एक सफाई की है इदां दी चीज़ है कि एक सैकेंड भी गंदगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सो असी बिल्कुल टाइमली जिहड़ियां साडियां अपनियां कंप्लेंट्स ने उन्हां नूं दूर करन दे लई अज बहुत वड्डा फ्लीट अज नगर निगम दे फ्लीट दे विच अज असी इह जिहड़ियां एक 8-9 जिहड़ियां हैगियां ने जेटिंग और सुपर सकर मशीनस होर शामिल कीतियां ने, जिहदे नाल शहर वासियों लिए सहूलत होएगी। और जिहड़ी सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है जिहड़ी मैं दस्सिया कि 2000 किलोमीटर के लगभग है, जिहड़ी रोज़ ही हर जोन दे विच हर थां ते प्रॉब्लम्स आ रही, उन्हूं हुण असी मकैनिकल तरीके दे नाल साफ करन च सक्षम होवांगे। शहर वासियों नूं की अपील है? शहर वासियों नूं यही अपील है कि एक तो साफ सुथरा शहर नूं रखिए, कोई भी इदां दी चीज़ आप सीवरेज च ना पाइए जिहदे नाल सीवरेज ब्लॉक होवे, क्योंकि जे सीवरेज प्रॉपर चलणगे तद ही साडी साफ सफाई रहेगी, और दूजा सड़कों के उत्ते कूड़ा बिल्कुल ना सुटिए, ग्रीनरी रखिए जिथे भी, क्योंकि देखो 2-3-4 चीज़ों के शहरियों का बहुत वड्डा सहयोग चाहिए, एक सफाई दे विच, एक ग्रीनरी दे विच, एक सीवरेज की सफाई दे विच, कि उहदे विच कोई इदां दीआं चीज़ां ना सुटियां जाण। उस तो इलावा जिहड़ी साडे दुकानदारां ने या होर शहरियां ने पब्लिक रोड्स के उत्ते इनक्रोचमेंट की है, उहदे वास्ते भी अहीं इहनां नूं एक अपील करांगे कि उहनूं अपने आप रिमूव करो ता जो शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल ना आए। इस तो बाद नगर निगम अपना प्लान कर रहा और सख्ती के नाल इन्ह सारिया चीज़ों के उत्ते एक बार असियाँ